हाल ही में ब्रिटेन से उड़ा एक बहुत ही रहस्यमयी हवाई जहाज, और इसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं चला क्योंकि इस हवाई जहाज में भारत लाया जा रहा था 100 टन सोना। ये ना ही कोई लीगल स्मगलिंग थी और ना ही कोई गैर कानूनी एयरलिफ्ट। तो क्या था ये 100 टन सोना? ये सोना था भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो भारत ने लंदन में स्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस मंगाया। ये 1991 से लेकर अब तक पहली बार हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, क्यों भारत ने अपना सोना अपने देश में ना रखकर दूसरे देश में रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये कहानी शुरू होती है 1991 से, जब भारत की इकोनॉमी खत्म होने की तादाद पर थी। देश के फॉरेक्स रिजर्व्स अपने ऑल टाइम लो $600 मिलियन पर आ चुके थे और भारत के पास अब मिलाकर सिर्फ 3 हफ्ते के एसेंशियल इम्पोर्ट्स ही बचे हुए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की हालत तो ऐसी थी कि यूनियन बजट तक पास नहीं हो पा रहा था। बहुत ही शर्म के साथ भारत के पास सिर्फ एक रास्ता नजर आ रहा था, और वो था देश के सोने को गिरवी रखना। 67 टन सोने को बंधक बनने के लिए भेज दिया गया था ताकि भारत की इकोनॉमी को चलाया जा सके। 47 टन सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया और 20 टन सोने को कोलैटरल बनाकर स्विट्जरलैंड की ओर रवाना कर दिया गया। और अब 33 साल बाद 2024 में आत्मनिर्भर भारत ने अपनी असली ताकत दिखाई है। देश के 822 टन ऑफ गोल्ड में से 413 टन बाहर के देशों के बैंक्स में कैद है, पर्टिकुलरली विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और अब आरबीआई ने इस कैद से अपना 100 टन सोना देश में वापस मंगा लिया है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 73,000 करोड़ की है। सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे बहुत से और भी देश हैं जो अपना गोल्ड बाकी कंट्रीज के पास रखते हैं। लेकिन क्यों? गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो करेंसी के मुकाबले काफी स्टेबल होती है, और अगर किसी भी समय कोई भी देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता है तो इन्हीं गोल्ड रिजर्व्स की मदद से अपने देश को बचा सकता है। भारत ने भी इसी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास इस गोल्ड को रखा था, और इनफैक्ट कुछ गोल्ड तो आजादी से पहले भी देश से बाहर रखे जाते थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 4 लाख गोल्ड बार्स हैं, जिनमें से कुछ तो उन्हीं के हैं लेकिन बाकी सब दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक के हैं। अब सवाल ये है कि लंदन ही क्यों, अपने खुद के देश में क्यों नहीं? लंदन को गोल्ड के मामले में सेफ कीपिंग की तरह देखा जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी गोल्ड मार्केट लंदन में ही है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी देश को अपना गोल्ड प्लेज या मॉर्गेज करना हो तो लंदन लिक्विडिटी का इजी ऑप्शन देता है। फिर आता है न्यूयॉर्क, जहां की गोल्ड मार्केट में भी लिक्विडिटी का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगला सवाल है कि क्यों इंडिया ने ये गोल्ड वापस अपने देश मंगवाया? पहली चीज तो ये कि कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता है, तो दूसरे देश के फेडरल रिजर्व्स एक फी चार्ज करते हैं जो उस देश को भरना पड़ता है जो भी अपना सोना उस देश में रखवा रहा है। तो अगर सोना नहीं होगा तो उस पर लगा कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। फिर आते हैं फॉरेन रिलेशंस। अब हो सकता है कि किसी कंट्री के साथ पहले तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में किसी भी कारणवश बिगड़ जाए तो एक कंट्री के रिजर्व्स को सीज भी किया जा सकता है, तो उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रिलेशंस बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं किसी भी कंट्री के लिए। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे रशिया के अराउंड $300 मिलियन के रिजर्व्स वेस्ट में स्टोर हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ उसके बाद रशिया पर लगे सैंक्शंस के कारण वो अपनी खुद की वेल्थ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लो, उनकी अराउंड 70% वेल्थ यूएस में है, और तालिबान के वहां आते ही यूएस ने उस वेल्थ को फ्रीज कर दिया है, जिसके कारण काबुल अपने ही रिजर्व्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है भारत ने सोचा कि क्यों ना अपने पैसे को अपने ही रिजर्व्स में रखा जाए। अब इंडिया का एक इमोशनल एंगल भी जुड़ जाता है गोल्ड के साथ, एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, जो जब भारत ने 1990 के दौरान में गोल्ड को प्लेज किया था तो वहां पर लोगों का एक जज्बात उसे जुड़ गया था, और अब उस सोने को देश में वापस लाकर एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आखिर ये जो सोना देश में लाया गया है इसका किया क्या जाएगा? फिलहाल आरबीआई ने इसे अपने खुद के ही गोल्ड वॉल्स में रखने की मांग की है, जो एक मुंबई में है और एक नागपुर में है। और आरबीआई फिलहाल देश को ऐसी हालत में भी नहीं देख रहा है कि उसे आने वाले किसी भी समय में गोल्ड को बेचने या प्लेज करने की जरूरत पड़े। तो आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई का ये कदम सही था? और ऐसे और भी कितने गोल्ड रिजर्व्स हैं जो आरबीआई वापस मंगवाना चाहेगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे आपने फ्रीडम ऐप का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी फाइनेंस, बिजनेस और फार्मिंग से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया है। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।